हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पब्लिक किचन। कई जगह पे खोया नहीं मिलता, जैसे कहीं बाहर हो कहीं कंट्री में आप, तो मिल्क पाउडर हर जगह मिल जाता है। आज हम आपको मिल्क पाउडर से खोया कैसे बनाते हैं बताएंगे। एक कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, हमने पतंजलि का मिल्क पाउडर लिया है, आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और आधा कप हमने फ्रेश दूध की मलाई इकट्ठी की थी, वो फ्रेश मलाई ली है, और आधा कप के करीब ही हम दूध डालेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मक्खन या देसी घी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच आप मक्खन डाल लें या देसी घी भी डाल सकते हैं। और इनको हम सबसे पहले बिना गैस ऑन किए ही मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, आप एल्युमिनियम की कढ़ाई ना लें क्योंकि उसमें उसका कलर जो है वो अच्छा नहीं आता, ठीक नहीं बनता। स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं लेकिन स्टील की कढ़ाई में चिपकने का डर होगा, और नॉनस्टिक में चिपकता नहीं है और बड़े आराम से बन जाता है। ये हमने पहले मलाई ले लेनी है, जो हमने आधा कप मलाई ली है, फ्रेश दूध से हमने मलाई ली है। इसको हम अच्छी तरह से मैश करके एक क्रीमी रूप बना देंगे इसका। मलाई को इस तरह से दबा दबा के उसको एक सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर दे दें। अब हम मिल्क पाउडर को मलाई के अंदर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, और बीच में थोड़ा थोड़ा हम दूध डालते जाएंगे। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसको अच्छी तरह से मैश कर लें अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। स्प्रेचुला से इस तरह से इसको मैश करते जाएं। ये हमारा 1/3 कप दूध था, अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध, हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, इसका देखो क्रीमी टेक्स्चर आ जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अभी हमारे को लग रहा है इसमें थोड़ा सा दूध कम है, तो हमने थोड़ा सा दूध इसमें और डालना है। बाकी का भी जो मिल्क पाउडर है उसको भी डाल देंगे और उसको भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी हो गया बिल्कुल, इसके सारे दूध मलाई और दूध मलाई और मिल्क पाउडर सब मिक्स हो गया अच्छी तरह से, लेकिन हमें थोड़ा सा दूध और डालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमने दूध और डाला है, मतलब आधा कप पूरा हो गया हमारा दूध। टोटल आधा कप दूध, आधा कप मलाई और 1 कप हमने मिल्क पाउडर लिया है। ये बाकी का भी डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके ही आपने दूध डालना है, ताकि ज़्यादा ना हो जाए दूध, ताकि इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर सकें। 5 मिनट के अंदर खोया बन के तैयार हो जाता है, आप उसको अपना बना के फ्रिज में रख लें, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप निकाल लें और जो चाहें वो बना सकते हैं। पहले हम कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, जैसे कढ़ाई थोड़ी गर्म होने लग जाए फिर आप उसको लो फ्लेम पे रख लें, और लो फ्लेम पे आपने इसको हिलाते रहना है और साथ साथ साइडों से उतारते जाना है, और इसको आपने मिक्स करते जाना है ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि दूध जो है मिल्क पाउडर नीचे लग जाएगा नहीं तो, अगर आप ज़्यादा नहीं इसको हिलाएंगे तो। इसको हिलाते रहना है आपने, रुकना नहीं है। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में आना शुरू हो गया है। ये देखिए इसमें बॉयल आने शुरू हो गया, बबल्स आने लग गए हैं, और थोड़ी सा ये इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा थिक होने लग गया नीचे से। इसको हिलाते रहेंगे और साइडों से भी साफ़ करते रहेंगे इसको, ये इस तरह से इसको निकाल निकाल के बीच में करते जाएं। जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। ये देखिए अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है, मलाई के अंदर काफ़ी घी होता है, तो इसको आपने बिल्कुल इस तरह से हिलाते रहना है ताकि ये एक अच्छी डो की फॉर्म में तैयार हो जाए। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो समझिए आपका खोया बन गया है। इस तरह से इसको मिक्स करते जाएं और साइडों से हिलाते रहें। ये देखिए एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसको आपने हिलाते रहना है, गैस बंद कर देनी है तो भी इसको हिलाते रहना है कि कढ़ाई जो है वो गर्म होती है काफ़ी। जब ये खोया ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही हार्ड फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा, तो फिर आप इसको चाहे गुजिया में यूज़ करें या रसगुल्ले, बर्फ़ी, जो मर्जी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा खोया देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है, 5 मिनट के अंदर खोया बनके
तैयार हो गया इंस्टेंट खोया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।